दोस्तों आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर्स पांडा के यूट्यूब चैनल पर। आप सभी को बताना चाहूंगा कि आईबीपीएस का एक रिवाइज शेड्यूल भी आया हुआ है, जिसमें उन्होंने नोटिफिकेशन में कुछ वैकेंसीज को इंक्रीज किया है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र में कल के दिन जब नोटिफिकेशन आया था तो पर जो है नॉट रिपोर्टेड, कोई भी वैकेंसीज रिपोर्टेड नहीं थी। तो मैं आपको दोनों नोटिफिकेशन दिखा दे रहा हूँ। आपका बेसिकली पुराना नोटिफिकेशन है, आप देख सकते हैं, जो ये कल की डेट में बेसिकली जारी हुआ था। और आप आईबीपीएस की वेबसाइट पर जब आप जाओगे तो यहाँ पर जो ये फर्स्ट है ये अप्लाई करने का है, सेकंड एडवर्टाइजमेंट, इस पर जब आप क्लिक करोगे तो एक नई टैब ओपन होगी और ये आपका नया नोटिफिकेशन जो है ये लोड हो रहा है। और मैं बता दूं कि इसमें पेज नंबर आप 18 के ऊपर जाओगे, ठीक है, पेज नंबर 18 पर, तो आप दोनों कंपैरिजन यहां पर कर पाएंगे। आप देखो कि इसमें 1417 वैकेंसीज हो गई है बेसिकली, ठीक है। तो अभी तक जो नंबर ऑफ वैकेंसीज थी वो थी लगभग 1000 के आसपास में, ये 1100 कुछ थी। मैं आपको ये वाली बता दे रहा हूँ, इसमें भी पेज नंबर 18 पर, ये मेरे पास पुराना नोटिफिकेशन है, इसमें 1167 थी और अब हो गई है 1417। तो जो इंक्रीमेंट देखने को मिला है वो बेसिकली बैंक ऑफ महाराष्ट्र में, यहाँ पर इन्होंने अनरिजर्व में 103 वैकेंसीज देकर टोटल अपनी 250 की हैं। अब तो कुछ ऐसी बैंक हैं जिसका अभी भी नॉट रिपोर्टेड है, लाइक केंद्र, तो ये भी अपनी इंक्रीज करेगा, इंडियन बैंक भी करेगा और पंजाब नेशनल बैंक, यहाँ पर ज़्यादा वैकेंसी हमें देखने को मिलेंगी, और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। तो आप देख सकते हैं चार ये हैं और तीन ऐसी बैंक हैं जिन्होंने अपनी वैकेंसीज को, दैट मीन्स कि 00 ही रिपोर्ट किया है। बैंक ऑफ बड़ौदा उसमें है और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, ठीक है, और इसके बाद एक आपका ये इंडियन ओवरसीज बैंक है, ओके। अब इन तीन का पता नहीं कि ये अपडेट करेंगे या नहीं करेंगे, इनके चांसेस कम है। लेकिन दोस्तों जो एनआर वाले हैं ये अपनी अपनी, हो सकता है कि जिस डेट में आपका एग्जाम हो या फिर जैसे जैसे चीजें आए तो ये सारी चीजें आईबीपीएस को अपडेट करके बता दी जाए, ओके। तो अभी आप थोड़ा सा इंतजार करें, एक दो वीक का, और बाकी जो भी चेंजेस देखने को मिलेंगे वो आपको आने वाले समय में मिल जाएंगे। तो अभी हम इतना समझ सकते हैं कि 1417 इतनी हमें वैकेंसीज अभी आज की डेट में दिखाई दे रही हैं और उम्मीद है कि अभी और भी बढ़ेंगी। लेकिन कितनी बढ़ सकती हैं, बहुत ज़्यादा तो नहीं होंगी कि आप सोचो 7-8 हज़ार हो जाएं, लेकिन कहीं ना कहीं पर जो 4 हज़ार तक का आंकड़ा है वो दोस्तों टच हो जाएगा जब प्रोविजनल अलॉटमेंट मिलेगा, तो इतने लोगों को एटलीस्ट तो अलॉटमेंट दिया जाएगा, ठीक है। अभी आप ये भी देख सकते हैं कि जो आईबीपीएस 9 है इसकी ज्वाइनिंग लोगों ने नहीं दी है, कितने लोग इसको ज्वाइन कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, व्हाटएवर जो भी स्टेटस है वो आगे पता चलेगा। अभी कईयों का डीबी होना बाकी है, तो ये अभी स्टेटस क्लियर नहीं है क्योंकि इस बार कोविड की वजह से काफ़ी सारी चीज़ें डिले हो गई। आप देखते हैं अप्रैल में रिजल्ट आ जाता था, ठीक है, मई जून जुलाई तक सब कुछ क्लियर हो जाता था जब तक आईबीपीएस का नोटिफिकेशन आता था। अब इस बार नोटिफिकेशन भी थोड़ा 1-2 वीक पहले आ गया, ठीक है, तो ये चीज़ हमें यहाँ पर थोड़ी सी देखने को मिल रही है। लेकिन हमारी वैकेंसी जो है वो बढ़ेंगी, तो आप संयम बना कर रखिए, अपनी तैयारी करते रहें। और हाँ, एक चीज़ मैं आपको और बता दूंगा कि आने वाले समय में हम बहुत सारे अलग अलग जो है पेपर सॉल्व करने वाले हैं। मैं आपको अभी यही कहूंगा कि ओलिव बोर्ड का भी एक लाइव टेस्ट एक्टिव हो चुका है जो आपका आईबीपीएस पीओ के लिए है, तो आप बिंदास जाएं और जाकर इस फ्री मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करें। ये कंप्लीटली फ्री है, इसके लिए आपको कोई पे आउट नहीं करना। अगर आप इसका हिस्सा है, आईबीपीएस का एग्जाम देने वाले हैं, तो दोस्तों इतना तो बनता है कि आपको ये पेपर देना चाहिए और अपना स्कोर जरूर शेयर करना कितना है। बाकी जो क्वांट है, रीजनिंग है, ये दोनों एनालिसिस मैं आपके साथ आगे आने वाले दिनों में शेयर करूंगा प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ में, कि कैसे हमें पेपर को अटेम्प्ट करना है और क्या क्या हमारी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, ठीक है। और बाकी अभी थोड़ा सा और इंतजार करें, वैकेंसीज जरूर इंक्रीज होंगी और ऐसा कुछ आएगा तो मैं आपको आने वाले दिनों में बता दूंगा, ठीक है। सो थैंक यू गाइस, हैव अ गुड डे ऑल ऑफ यू वंस अगेन। प्लीज ये वीडियो शेयर कर दो अपने व्हाट्सएप ग्रुप दोस्तों के बीच, ताकि उन लोगों तक भी ये वाली न्यूज आ जाए।